टेस्ट थ्री हाईएस्ट मार्क्स है 181, ठीक, बात क्लियर। टेस्ट फोर में हाईएस्ट मार्क्स है 187, मार्क्स अब बढ़ रहे हैं। इसमें 7 नंबर का एक क्वेश्चन रॉन्ग था, जिसमें कि सबको दे दिया गया है मार्क्स, डेट इज ये जो है बेंजीन प्लस सी एफ थ्री हीट रीडैच सी एफ थ्री। दिस क्वेश्चन रीड एज दिस 7 मार्क्स वाज रॉन्ग। मार्क्स इज प्रोवाइडेड टू ऑल स्टूडेंट्स, नहीं सबको दे दिया है। अच्छा, नहीं तो ऐड कर लीजिए, सब लोग ऐड कर लीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नाउ एसिटाल्डिहाइड एंड एसीटोफिनोन, पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन इज फर्मी रेजोनेंस बैंड। डिफरेंशिएट एसिटाल्डिहाइड एंड एसीटोफिनोन, दैट इज इन एसिटाल्डिहाइड ऑल एल्डिहाइड गिव ए फर्मी रेजोनेंस बैंड एट 2740 एंड 2840 सेंटीमीटर इनवर्स। दिस बैंड इज एबसेंट इन ऑल कीटोन, दैट इज द पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक, फंक्शनल आइसोमर इज डिफरेंशिएटेड इन फंक्शनल ग्रुप रीजन एंड पोजिशनल आइसोमर मे बी डिस्टिंग्विश बाय द फिंगरप्रिंट रीजन। नेक्स्ट इज बेंजाइल एल्कोहल एंड फिनोल, बेंजाइल एल्कोहल 1 डिग्री एल्कोहल सीओ स्ट्रेचिंग 1050 सेंटीमीटर इनवर्स, फिनोल 1250 सेंटीमीटर इनवर्स। दैट इज द पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन। वन ब्यूटाइल, टू ब्यूटाइल, NMR, वन ब्यूटाइल ए बी सी 3 NMR पिक, टू ब्यूटाइल ओनली 1 NMR पिक ए। सिस एंड ट्रांस आइसोमर ऑफ 2 ब्यूटीन, ट्रांस आइसोमर लैम्डा हाई लैम्डा लो, शॉर्ट वेवलेंथ हाई वेवलेंथ अप्रोक्सीमेटली 280 nm, 210 nm, इंटेंसिटी हाई इंटेंसिटी लो। मार्क्स पोटेंशियल इन दिस क्वेश्चन इज वेरी गुड मार्क्स पोटेंशियल, सबको नंबर आया है। कुछ बच्चों को गलती हुआ है,
बट नंबर सबको आया है. हेयर इन सेकेंड बी इन सेकेंड ए इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ CF3 2+4 addition further heat calotropic elimination CF3. Now, further addition CF3, that is CF3. Further calotropic elimination. Further calotropic elimination to give this. Heat and orbital symmetry. Now, CF3. Why this question is asked? कौन सा सही है, कौन से डबल बॉन्ड को इसको इंक्लूड करेंगे या नहीं करेंगे. इनको इंक्लूड करेंगे या नहीं करेंगे. प्रोडक्ट सेम है, देयर इज नो डिफरेंस इन फाइनल प्रोडक्ट, बट because this section of dinophile is substituted with electron withdrawing substituent, so this possibility this jab baat driving force ki hai to second step mein aata hai ki second step mein kyon hum attack idhar se dikha rahe hain, idhar se kyon bas. बाकी इस क्वेश्चन में कुछ भी ऐसा नहीं था जो कि 7.5 रिएक्शन इज हाईली फॉरबिडन बिकॉज 250 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 6 आवर रिएक्शन टाइम, 6 आवर रिएक्शन टाइम.
Second part, almost all students done. There is no problem in this, but it is 7 marks question. So give orbital diagram also. जो लोग ऑर्बिटल डायग्राम दिए हैं उनको 6 मार्क्स मिला है, और जो लोग केवल यही कर दिए हैं कि हाँ भैया को बंद कर ही देना है तो बंद कर दो. ये एच नहीं हूँ. It is 4N electrocyclic ring closing. Okay? That is 4N system. Psi 1, Psi 2, Psi 3, Psi 4. That is two electron, homo, leumo. But in excited state, both homo and leumo is converted into somo, and leumo which is converted into somo now act as homo. ये फ्रेज आना चाहिए कि इन फोटोकेमिकल मीडियम होमो ल्यूमो, बोथ होमो एंड ल्यूमो इज कन्वर्टेड इनटू सोमो. Somo, leumo which is converted into somo now act as homo for excited molecule. Now homo is symmetrical. Now homo is symmetrical, therefore disrotation takes place. और जैसा कि बताए थे 4N है कि नहीं, तो थर्मल में क्या होगा, कौन रोटेशन, तो फोटोकेमिकल में क्या होगा, डिसरोटेशन. वही चीज आ रहा है कि नहीं. तो ये पूरा करके दिखाना है, नॉट नेसेसरली कंप्लीट डायग्राम, बट एटलीस्ट होमो एंड ल्यूमो इन दोनों को आप हटा सकते हैं, होमो और ल्यूमो.
थर्ड क्वेश्चन में कैसे सब लोगों का गलती हो रहा था, हमको पता नहीं चल रहा था कि इतने बार एनएमआर में करवाए हैं। डेल्टा इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट फ्रीक्वेंसी, ओनली थिंग डैट सेपरेशन बिटवीन सिग्नल इंक्रीजेज। बहुत लोगों का गलत है, 0.57 और 0.29। डेल्टा रिमेन इंडिपेंडेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट फ्रीक्वेंसी, डेल्टा रिमेन इंडिपेंडेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट फ्रीक्वेंसी। ओनली थिंग दैट सेपरेशन बिटवीन इंडिविजुअल पीक इंक्रीजेज। हाँ, न्यू का होता है, न्यू का होता है। तो ये हमारा जो है ये आएगा, क्योंकि जैसे ही हम डेल्टा इज इक्वल टू न्यू सैंपल माइनस न्यू रेफरेंस डिवाइडेड बाय न्यू इंस्ट्रूमेंट इनटू 10^6 अकॉर्डिंग टू बेसिक एनएमआर इक्वेशन न्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी नॉट एज इंस्ट्रूमेंट फ्रीक्वेंसी चेंजेज प्रोपोर्शनली, दैट इज डेल्टा स्टार इज इक्वल टू न्यू स्टार सैंपल माइनस न्यू स्टार रेफरेंस अपॉन न्यू स्टार इंस्ट्रूमेंट। नाउ डेल्टा प्राइम, सपोज एक्स टाइम इंस्ट्रूमेंट फ्रीक्वेंसी इज इंक्रीज्ड, देन एक्स न्यू इंस्ट्रूमेंट एक्स टाइम्स न्यू सैंपल माइनस एक्स टाइम्स न्यू रेफरेंस, दैट इज एक्स न्यू सैंपल माइनस न्यू रेफरेंस अपॉन एक्स इंटू न्यू इंस्ट्रूमेंट, और दैट इज नथिंग बट इट इज डेल्टा। डेल्टा स्टार इज इक्वल टू डेल्टा। तो क्या हुआ, फ्रीक्वेंसी बढ़ गया। तो क्या है कि अभी ये दो पीक जो है वो यहां पे आ रहे हैं 560 मेगाहर्ट्ज़ पे, तो 1120 मेगाहर्ट्ज़ पे क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे सेपरेशन बिटवीन पीक इंक्रीजेज। 1120 मेगाहर्ट्ज़, तीन सौ बीस था सेपरेशन तो हो जाएगा 628, हुआ कि नहीं। तो यहां पे बैठे कितने लोग हैं जिनका रॉन्ग हुआ था, बस एक ही है, यहां उठाओ भैया, हाँ तीन सही हुआ था। तो बताइए इतना ये 10 marks का था तो भी गलत हो गया। एक्सप्लेन दी ओरिजिन ऑफ फ्रेगमेंट एट ए स्मॉल m by z, एट m by z इक्वल टू 72 इन मास स्पेक्ट्रा ऑफ 3-heptanone। 3-heptanone में क्यों आ रहा है, सबको क्लियर है, मैक्लेफेट्री रीअरेंजमेंट। यहां पे थोड़ा सा बता देना था कि बीटा क्लीवेज और ये हो रहा है। यहां पे जो हमको ये करना था कि मैक्लेफेट्री रीअरेंजमेंट एक बार में होता है, बीटा क्लीवेज साइमल्टेनियसली दिखाना था, नॉरिश वन की तरह नॉरिश टू की तरह नहीं, दो बार में, कि एक बार में हाइड्रोजन ट्रांसफर हुआ, नॉरिश टू में साइक्लाइजेशन भी हो सकता है लेकिन मैक्लेफेट्री में साइक्लाइजेशन नहीं होता, इमीडिएट एक मैक्लेफेट्री और नॉर्थ ईस्ट टू में ये फर्क है कि नहीं। तो यहाँ पे साइमल्टेनियसली एक बार में करना है, सब स्टूडेंट अच्छे किए हैं, जो
थोड़ा बढ़िया से किए हैं, मैकलेफेट्री रीअरेंजमेंट को बता के किए हैं, उनको 4.5 दिए हैं, बट जो ये ना किए उनके साथ हम कोई डिसएडवांटेज भी नहीं किए, उनको भी 4 नंबर दिए हैं। तुमको कितना दिए हैं? 4 नंबर। तो इसमें 5 नंबर के क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा ये नहीं करना है, क्योंकि जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं, 5 नंबर का जो भी क्वेश्चन है वो मुखिया काउंसलर वगैरह का फाइल है, अगर आप उस फाइल पे ज़्यादा ध्यान देना शुरू किए तो आपको चीफ मिनिस्टर से कभी नहीं अच्छा लगेगा। आपका जो है वो मुश्किल के समय में आपका मदद वो नहीं करेगा, मुश्किल के समय में कैबिनेट मिनिस्टर और सीएम ही आपका मदद करेंगे। तो 10 नंबर के क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान दीजिए, 10 में आप 8 ला सकते हैं और 10 में आप 5 भी ला सकते हैं, लेकिन 4 नंबर में 5 नंबर में बहुत ज़्यादा का स्कोप है नहीं। हम खुद ही बता दिए कि भाई जो मैकलेफेट्री रीअरेंजमेंट लिखे हैं पूरा पेज भर दिए, उनको भी 4.5 दिए, और जो केवल रिएक्शन दे के हमको पिक दिखा दिए उनको भी हम 4 नंबर दिए, इसमें कोई डिफरेंस नहीं समझ। ठीक। इन द मास स्पेक्ट्रा ऑफ मिथिलीन ब्रोमाइड वी हैव 3 पिक, 172, 174, 176। वाई? ड्यू टू आइसोटोपिक ब्रोमीन, आइसोटोपिक ब्रोमीन जो है, ब्रोमीन एग्जिस्ट इन टू आइसोमर, दैट इज BR79 एंड BR81, दैट इज इन रेशियो ऑफ 1:1। जो ब्रोमीन 80 होता है वो तो कभी होता ही नहीं, ब्रोमीन 80 कभी नहीं होता, ब्रोमीन आइदर 79। नाउ CH2 BR2 मे कंटेन ओनली वन, मे कंटेन बोथ नॉर्मल, मे कंटेन वन नॉर्मल वन आइसोटोपिक, मे बी बोथ आइसोटोपिक, दे आर फॉर M+, M+2, M+4। ठीक। ये जितना कर दिए हैं उनको हम 3 नंबर दे दिए हैं। ठीक। जो ये बताए हैं कि रिलेटिव इंटेंसिटी M+, M+2, M+4, इसमें दोनों नॉर्मल हैं 1:1, इसमें दोनों आइसोटोपिक हैं, ये एक नॉर्मल एक आइसोटोपिक है, बट रिलेटिव एबंडेंस इक्वल है, तो 1:1 + 1:1 डेट इज नॉर्मल आइसोटोपिक, आइसोटोपिक नॉर्मल 2, और डेट इज बोथ आइसोटोपिक, डेट इज वन रिलेटिव इंटेंसिटी इज 1:2, 2:1। जो यहां तक कर दिए हैं उनको 4 नंबर दे दिए, 4.5। तुमको कितना दिए हैं भाई? क्या अटेम्प्ट ही नहीं किया? कितना बढ़िया है स्टूडेंट है, कौन हेडेक ले ही था, हेडेक ही नहीं लेना। इस क्वेश्चन को हम बदल दिए थे और आप लोग पढ़ने में थोड़ा सा गड़बड़ किए। व्हाट विल बी इफेक्ट ऑफ चेंजिंग सॉल्वेंट फ्रॉम इथाइल एल्कोहल टू हेक्सेन ऑन द के बैंड ऑफ MVK? MVK क्या है? मिथाइल विनाइल कीटोन, मिथाइल विनाइल कीटोन। इन द मिथाइल विनाइल कीटोन ग्राउंड स्टेट एक्साइटेड स्टेट, के बैंड इज ड्यू टू पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन, एक्साइटेड स्टेट। Yes, that is energy gap is this in ethyl alcohol solvent. Because in ethyl alcohol solvent, it is
excited state that is more stabilized by hydrogen bonding. Hydrogen bond is more stronger in excited state because excited state is more polar. तो polar होगा तो क्या होगा? Hydrogen bonding stronger होगा. अब hydrogen bonding stronger होगा तो क्या होगा? Energy less होगा. But when we move to n hexane, then what happens? Then both ground state and excited state get destabilized with resulting increase in energy gap. N hexane. Since energy gap increases, lambda क्या हो जाएगा? Decrease हो जाएगा और it will be hypsochromic shift. क्लास में हम अपोजिट करवाएंगे. नॉन पोलर से पोलर सॉल्वेंट में जाने के लिए हम रेड शिफ्ट लिखवाए. तीन तरह के बच्चे थे. एक तो बिल्कुल सही लिखे हैं, बिल्कुल एकदम. एक सब कुछ सही लिखे हैं यहां तक, बाद में जो क्लास वाला याद था रेड शिफ्ट वही लिख दिए. हालांकि ये भी लिखे हैं कि वेवलेंथ डिक्रीजेज एंड इट अंडर गो रेड शिफ्ट, दैट इज बैथोक्रोमिक शिफ्ट. दूसरे तरह के बच्चे हैं. और तीसरे तरह के बच्चे हैं, पूरा क्लास का ही लिख दिए हैं, वो क्वेश्चन को ही बदल दिए हैं, वो क्वेश्चन को ही कर दिए एन हेक्सेन से इथाइल एल्कोहल. जबकि पढ़ाते समय हम बोले हैं कि मोस्ट ऑफ टाइम ये उल्टा पूछा जाता है. मोस्ट ऑफ टाइम इसको अपोजिट वे में पूछा जाता है कि पोलर से नॉन पोलर में जाएंगे तो क्या होगा. तो ये था, ये भी 5 नंबर का था. कोई खास का डिफ्रेंसिएशन हुआ नहीं, या तो 0 नंबर मिला या तो 4 नंबर मिला, बस. सेकेंड काइंड वाले स्टूडेंट को नंबर तो मिला नहीं, क्योंकि वो बाद में ही रेड शिफ्ट करती है. राइट डाउन मेजर प्रोडक्ट 5-5 नंबर का था, कोई बहुत ज्यादा नंबर का तो था नहीं. That is COPH, CH2PH, HNU, OHH, PHH. प्लस रिएक्शन टेक प्लेस थ्रू द ट्रिपलेट स्टेट ऑफ reaction take place through the triplet state. इसको लिखेंगे S naught. ये देखिए H nu into pi star S1 singlet excited ISC inter system crossing
निधि टेस्ट पेपर का सलूशन मिल गया था? अरे नहीं, निधि से पूछ रहे हैं। निधि है कोई क्लास में? 2018 वाला मिला था। T1 ये हो गया अपना मैकेनिज्म, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिज्म यहाँ पे खत्म हुआ। नाउ डेल्टा हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन, डेल्टा हाइड्रोजन अल्फा बीटा गामा डेल्टा, डेल्टा हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन पाई स्टार टू एन रिलैक्सेशन, डेल्टा एच एब्स्ट्रैक्शन दैट इज इसके बाद की आपको कहानी पता है, स्पिन इन्वर्जन। स्पिन इन्वर्जन बॉन्ड फॉर्मेशन टू गिव ए मिक्सचर ऑफ सिस एंड ट्रांस आइसोमर्स। ट्रिपलेट स्टेट से जब भी रिएक्शन होता है तो दोनों आइसोमर बनते हैं, सिस भी बनेगा ट्रांस भी बनेगा। ये रिएक्शन है कार्बोनाइल फ्रेगमेंटेशन का, नॉरिस वन नॉरिस टू। ना एकदम नहीं, एकदम नहीं, नॉरिस टू है। याद करिए नॉरिस टू में कोई जरूरी नहीं ये कि गामा हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन होता है। बस पिछली बार ये पूछ दिया है इसलिए हम इस बार ये पूछ दिए, इसमें कौन सा हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट होता है? ये प्रोडक्ट ये बनाता है, प्रोडक्ट ये बनाता है, ये प्रोडक्ट बनाता है। कौन सा हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट हुआ? अल्फा बीटा गामा डेल्टा इप्सिलन। तो इफ गामा हाइड्रोजन इज नॉट अवेलेबल देन इट एब्स्ट्रैक्ट द डेल्टा हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन टेक प्लेस इन सच ए मैनर डेट फ्रेगमेंटेशन, आइदर फ्रेगमेंटेशन टेक प्लेस और स्टेबल रिंग इज फॉर्म, स्टेबल रिंग इज फॉर्म। और अगर ध्यान से देखिए तो हम इसी का वेरिएशन बनाए हैं, इसी का वेरिएशन बनाए हैं। दो रिंग है ना यहाँ पे, हटा दीजिए इसको, इसको जोड़ने के लिए यहाँ पे हम लगा दिए। बस थोड़ा सा आपको घुमाए, आप घूम गए। मैक्सिमम ब्लैंक आया है इस क्वेश्चन में, मैक्सिमम ब्लैंक। नॉरिस टू स्पेशल केस, डेल्टा हाइड्रोजन। सेकेंड प्योरली नॉरिस टू, प्योरली नॉरिस टू।
pure NRH2, alpha, beta, gamma. Gamma hydrogen abstraction, beta cleavage. पर जैसा कि आपको हम बोले हैं कि फोटोकेमिस्ट्री और पेरीसाइक्लिक में ध्यान रखना इस बात का है कि पेरीसाइक्लिक में ऑर्बिटल डायग्राम देना है और फोटोकेमिकल रिएक्शन में हमेशा जो है इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिज्म देना है, सिंगलेट, आईएससी, ठीक, देयर आफ्टर रिएक्शन, ठीक। तो यहां पे NRH2 NRH1, थर्ड केस कंप्लीट NRH1, NRH1 बट रिडक्शन क्यों होगा? मिथाइल अल्कोहल के साथ इस्टर बना, फ्री रेडिकल इज सो स्टेबल हेयर दैट फ्रेगमेंटेशन टेक प्लेस, फ्री रेडिकल इज स्ट्रॉन्गली स्टेबल। एलोंग विथ NRH1 प्रोडक्ट जो बनते हैं वो भी बनेंगे, बट मेजर ये बात था कि NRH1 का प्रोडक्ट चेंज हो गया ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मिथाइल अल्कोहल एज सॉल्वेंट। फ्री रेडिकल अगर स्टेबल होगा तो NRH1 क्लीवेज होगा, हमको और कोई सेकेंड चीज नहीं देखना है। जहां तक रिडक्शन, रिडक्शन इज ए प्रॉपर्टी ऑफ एरोमेटिक कीटोन, एरोमेटिक कीटोन, रिडक्शन एरोमेटिक कीटोन का प्रॉपर्टी है, इट इज नॉट एरोमेटिक कीटोन। बी पार्ट एनएमआर के प्रॉब्लम में कोई दिक्कत? मैक्सिमम लोग सही किए हैं, मैक्सिमम लोगों का सही है, मैक्सिमम लोगों का सही है। मैक्सिमम लोगों का बिल्कुल सही है कि नहीं? ओ सी ओ सी एच थ्री मैक्सिमम लोगों का सही है। किनका किनका सही है?
सबका सही है, सबका सही है, कोई दिक्कत नहीं आई। आई है दिक्कत? क्या दिक्कत आई है? मास स्पेक्ट्रा सजेस्ट डेट मास इज 108। मास स्पेक्ट्रा सजेस्ट डेट मास इज 108। बी पार्ट, इसी का बी पार्ट है 150। अच्छा हाँ, बेस पीक इज 108, बेस पीक इज 108। नाउ अकॉर्डिंग टू मास स्पेक्ट्रा 150 इज मॉलिक्यूलर आयन पीक, सो मास इज 108। नाउ नाइन कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन 72/100 इंटू 150, डेट इज टोटल 108, डेट इज नंबर ऑफ कार्बन 108/12, डेट इज 9 कार्बन। मास ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 6.67/100 इन 1000, इट इज 10 हाइड्रोजन, डेट इज 108 प्लस 10, डेट इज 118। 150 - 118 इज इक्वल टू 32। 32 मास इज अननोन, 32 मास इज अननोन। नाउ सो फार वी डिराइव्ड स्ट्रक्चर C9H10। IR स्पेक्ट्रा पीक इज एट 1745 cm inverse, इंडिकेट कार्बोनाइल, डेट मीन्स ऑक्सीजन मस्ट बी प्रेजेंट इन द कंपाउंड। नाउ हायर साइड कार्बोनाइल फंक्शन इंडिकेट स्टर दैट मीन्स टू ऑक्सीजन मस्ट बी प्रेजेंट एंड आवर फॉर्मूला इज C9H10O2। NMR पीक डेल्टा 7 to 5H confirm the presence of benzene ring and that benzene ring is mono substituted. Benzene ring must be mono substituted. मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग।
Monosubstitution is also confirmed by the band at 750 centimeter inverse and 700 centimeter inverse. Fingerprint region, FP region. Known minus, unknown. C9, H10, O2, minus, C6, H5. We have C3, H5, O2. Now we have to account for this. We have to account for this, क्योंकि C6H5 हमको पता चल गया क्या है. Now, presence of ester, that means COO, subtract C3H5O2 minus COO is equal to C2H5, है कि नहीं? That means we have to account this. Now, 5 hydrogen are distributed in 2 groups according to NMR. According to NMR, 5 hydrogens are distributed between two groups, that is delta 5 2H delta 2 3H, singlet, that means they are non-adjacent, that means this is not a possibility. Ye possibility nahi hai. This is not a possibility. Hai ki nahi? Delta 5 indicate a highly deshielded proton. Delta 5 indicate highly deshielded proton. That means this proton is adjacent to 2 electronegative atom. Or 2 electron withdrawing substituent. Maybe like this. है कि नहीं? This possibility is strongly confirmed by the mass spectra peak at 91. This possibility is confirmed by the this peak in mass spectra, which is a property of benzylic cleavage. Therefore, we left with only one possibility, that is this. Possibility. इस तरह से सारे पिक को लेते हुए उसके बाद ऐसे,
है कि नहीं, सबको एकोमोडेट किए, सारे पिक का हेल्प लिए। हालांकि पता तो पहले से ही था कि ये स्ट्रक्चर यही होगा, लेकिन कैसे कैसे आए ये बताना जरूरी है कि हाउ विल यू डिड्यूस द स्ट्रक्चर। ए ऑर्गेनिक कंपाउंड गिव फॉलोइंग स्पेक्ट्रल एंड एनालिटिकल डाटा, फाइंड आउट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड डिड्यूस द स्ट्रक्चर। डिटरमाइन द स्ट्रक्चर नहीं है, डिटरमाइन द स्ट्रक्चर होता तो हम पहले स्ट्रक्चर बनाते और उसको पिक से मैच करते कि ये स्ट्रक्चर हमारे पॉसिबल स्ट्रक्चर हैं, इनमें से ये मैच कर रहा है। इन विच केस एन टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन इज मोर इंटेंस, एल्कोहल और इथर। एल्कोहल और इथर क्या होगा भाई, क्या होगा? क्या होगा कोई बताओ? सबको जीरो नंबर आया है, यूनिवर्सल, यूनिवर्सल जीरो, यूनिवर्सल जीरो। एक क्वेश्चन तो ऐसा डालते ही हैं जिसमें यूनिवर्सल जीरो आए। हाँ, क्या हुआ? आप लोग ये कह रहे हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने से अल्कोहल में क्या हो गया, एनर्जी गैप कम हो गया। एनर्जी गैप को इंटेंसिटी से क्या मतलब है? इंटेंसिटी ऑफ एनी स्पेक्ट्रा डिपेंड अपॉन द रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम डिपेंड अपॉन ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी। एल्कोहल इज मोर पोलर, एल्कोहल इज मोर पोलर। इट इंटरैक्ट स्ट्रॉन्गली विथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। And therefore, transition probability is high in alcohol. अरे unstable होगा तो energy कम होगा, intensity बढ़ना, intensity और energy में कोई relation नहीं। इंटेंसिटी अलग फैक्टर पे डिपेंड करता है, वेवलेंथ अलग फैक्टर पे डिपेंड करता है। वो तब होता जब हम पूछते कि अल्कोहल एब्जॉर्ब एट लोअर वेवलेंथ है एज कंपेयर टू ईथर। एक नाउ हायर द इंटर, ये अल्कोहल इंटरैक्ट मोर स्ट्रांगली विथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एज कंपेयर टू ईथर। Therefore, absorption is more in alcohol. And its transition probability is high. Which result in higher intense band. Which result in higher intense band. एक transition जितना ज्यादा absorption होगा उतना ही ज्यादा population excite होगा। अब जो है एक millisecond में जो है alcohol, 10 alcohol excite हो गए, उसी में ether जो है 5 ही excite हुआ, तो intensity कहाँ ज्यादा होगा? Alcohol में तो इंटेंसिटी डिपेंड करता है पोलर प्रॉपर्टीज पे। एक सेकंड क्वेश्चन तो बहुत दुख देने वाला था भाई, लिमिटेशन ऑफ लैम्बर्ट बियर लॉ और
आप लोग लिमिटेशन नहीं लिख सके लैम्बर्ट वियर लॉ का। लैम्बर्ट वियर लॉ का डिराइव कर दिया, पूरा डेरिवेशन दे दिया लैम्बर्ट वियर लॉ का पांच नंबर में। पांच नंबर में कहाँ डेरिवेशन हम पूछ ही नहीं रहे, हम तो पूछ रहे हैं लिमिटेशन। सोल्यूशन मस्ट बी डाइल्यूट बिकॉज इन कंसंट्रेटेड सोल्यूशन एबनॉर्मल एब्जॉर्प्शन टेक प्लेस ड्यू टू इंटरफेरेंस, टोटली ब्लैक हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? नाउ टेम्परेचर मस्ट बी कॉन्स्टेंट बिकॉज एज टेम्परेचर चेंजेज कंसंट्रेशन ऑल्सो चेंजेज। सोल्यूशन मस्ट बी नॉन आयोनिक बिकॉज इन आयोनिक सोल्यूशन स्कैटरिंग टेक प्लेस। है कि नहीं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम रिमेन कॉन्स्टेंट बिकॉज एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंजेज मोलर एब्जॉर्प्शन कोफिशियंट चेंजेज। याद करो तो क्लास में कहानी भी सुनाए थे कि तुम्हारे लैब में एक राक्षस होता होगा जल्लाद, वो जब भी क्यूबेट को तुम जमीन पे रखते होगे या हाथ से छूते होगे तो इमीडिएट दौड़ के आता होगा कि क्यूबेट को हमेशा जो है टिश्यू पेपर से टच करो, जमीन पे नहीं टिश्यू पेपर पे रखो। तो क्या है कि क्यूबेट पे थोड़ा भी स्क्रैच नहीं आना चाहिए। ठीक। सोर्स ऑफ रेडिएशन मस्ट बी मोनोक्रोमेटिक पांच था, पांच नंबर का, एक एक नंबर का। अब आप लोग ये नहीं है। हाउ विल यू डिटेक्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग बाय IR स्पेक्ट्रा? ये तो सब लोग कर दिए हैं, बहुत अच्छे से किए हैं, कोई बात नहीं। सबको तीन नंबर से साढ़े चार नंबर मिल गया। एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, ये भी सब लोग कर दिए हैं, सब लोग कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। प्रिज्मेन, उसके बाद ओपन बुक स्ट्रक्चर, उसके बाद फिर सबका हो गया। नाउ एक्सप्लेन द IR फ्रीक्वेंसी ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड, ऑलमोस्ट सबका हो गया है, सबका हो गया है ना, सबका हो गया है। सबसे कीटोन में फोर मेंबर्ड कीटोन 1780 स्ट्रेन है कि नहीं? उसके बाद 1695 ड्यू टू कॉन्जुगेशन, 1745 ईस्टर है अभी अभी देखे हैं 1745, और फिर 1715 नॉर्मल अनस्ट्रेन्ड कीटो। गिव मैकेनिज्म ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन ऑल्सो शो, हाउ विल यू डिटेक्ट दिस रिएक्शन थ्रू IR स्पेक्ट्रा? विटिग रिएक्शन था, कार्बोनाइल बॉन्डेज रिप्लेस्ड बाय CC बॉन्ड। अब कार्बोनाइल बॉन्ड का जो IR फ्रीक्वेंसी होता है वो क्या होता है? 1715 सेंटीमीटर इनवर्स। एज रिएक्शन प्रोसीड कार्बोनाइल बैंड इंटेंसिटी एट 1715 डिक्रीजेज, है कि नहीं? डिक्रीज होगा। और उस केस में क्या होगा? नहीं, अपियरिंग वाला मत दीजिए, कभी भी IR स्पेक्ट्रा में देखिए तो एक बैंड से देखिए। इंटेंसिटी डिक्रीजेज
तो ये देखिए 100% अभी रिएक्शन शुरू हुआ है, ये देखिए 10% कंप्लीटेशन, ये देखिए 90% जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा तो ये पिक कैसा हो जाएगा, ऐसा। एंड व्हेन रिएक्शन कंप्लीट पिक कंप्लीटली डिसअपियर, कंप्लीटली डिसअपियर, डिसअपीयरेंस ऑफ पिक इज इंडिकेशन ऑफ द कंप्लीटेशन ऑफ रिएक्शन। जब पिक डिसअपियर हो जाएगा कंप्लीटली तब हम कहेंगे कि विटिग रिएक्शन इज कंप्लीट। एक स्टूडेंट को हमको लगता है कि वो कौन था भाई, वो तो पूरे कॉपी में ही बना दिया है, पूरे कॉपी में 5% कंप्लीट दिस, 10% 15% 20% 25% कहे कि भाई तुम हिस्ट्री नहीं पढ़ा बहुत अच्छा किया, नहीं तो तुम तो महाराणा प्रताप का घोड़ा चल दिया है। तुम कहोगे कि अगली बार मेंस देने आएंगे तब बताएंगे कि हल्दी घाटी में पहुंचा कि नहीं पहुंचा, अभी तो बस आप सोचिए कि वो टप 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 चलता जा रहा है, अब अगली बार मेंस में आएंगे तो बता देंगे कि पहुंच गया कि नहीं। पूरे कॉपी में भर दिया है भाई, इसके लिए स्पेस भी हम अच्छा खासा दे दिए थे। 10 नंबर का है तो पहला पार्ट विटिक का मैकेनिज्म भी देना था, विटिक का मैकेनिज्म भी देना था, एक जो कि कोई खास टफ है नहीं। विटिक का मैकेनिज्म जो दे दिया, जो ये भी बता दिया कि 1780 पे जो पिक आएगा उस पिक के बारे में हम लोग ध्यान नहीं दिए, ये जो दे भी दिया है उसको हम कोई खास वेटेज नहीं दिए, और जो 1715 नहीं दिया है और केवल वही पिक दिया है उसको हम कोई नंबर भी नहीं दिए, एक दोनों काम किए, क्योंकि इसमें जो है कार्बोनाइल बैंड जो है वो मोर इजिली डिटेक्ट होगा। आपको ये भी जानकारी रखना है आंसर करते समय कि कौन सा बैंड इजिली डिटेक्ट होगा, कार्बोनाइल बैंड इज ऑलवेज मोर इंटेंस बैंड, मोर रिलायबल बैंड है कि नहीं, तो इस कारण से। बार्टन रिएक्शन, बार्टन रिएक्शन है कि नहीं, बार्टन रिएक्शन है, बस लास्ट स्टेप में आपको चेंजिंग करना था, बार्टन का जो प्रोडक्ट बनेगा वो डेल्टा हाइड्रोजन यहां से एब्स्ट्रैक्ट होगा कि नहीं, ये जो है ये अल्फा बीटा गामा डेल्टा यहां से एब्स्ट्रैक्ट हुआ कि नहीं, ये देखिए अल्फा प्राइम, ये बीटा प्राइम, गामा प्राइम, डेल्टा प्राइम, यहां से नहीं, क्यों, क्योंकि हमने क्या कहा था रिंग वर्सेस साइड चेन, साइड चेन विल बी प्रीफर्ड, रिंग वर्सेस साइड चेन, साइड चेन विल बी प्रीफर्ड। पहला चेंज हम यहां पे किए, कुछ बच्चे फंस गए इसमें, ठीक, कुछ बच्चे फंस गए इसमें, पहला चेंज यहां पे किए, बच्चे फंस गए। सेकंड चेंज, ये देखिए हम हमेशा बोले हैं कि आपको एसिटल बनाना है, ये बन गया प्रोडक्ट OH CHOH CH3, ये बन गया प्रोडक्ट, ठीक। दूसरा चेंज हम ये किए कि बेस दे दिए, बेस दे दिए, अब अगर आप बेस के प्रेजेंस में यहां पे अल्फा हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन है नहीं है, कहां है अल्फा हाइड्रोजन, नहीं है, ये देखिए एसिटल फॉर्मेशन, एसिटल फॉर्मेशन,
एसिटल फॉर्मेशन। तो आपको प्रोडक्ट ये बनाना था। प्रोडक्ट ये बनाना था एसिटल। बट इस पे हम बहुत ज़्यादा रिजिडिटी शो नहीं किए हैं, नंबर दे दिया है, बार्टन का मैकेनिज्म जो अच्छे से लिख दिया है उसको नंबर दे दिया। है कि नहीं? सात नंबर तो मैक्सिमम बच्चे पाए हैं, सात नंबर मैक्सिमम बच्चे पा लिए हैं 7.5 में। कुछ बच्चे 6 भी पाए हैं, कुछ बच्चे 5 भी पाए हैं। तुमको कितना आया है भाई इसमें? 6 नंबर। तो तुमको 6 बेस का यूज नहीं किया होगा, बेस का यूज नहीं किया, 6 नंबर ही नहीं। सेकेंड इज सेकेंड नहीं किया। डाई पाई मिथेन रीअरेंजमेंट, डाई पाई मिथेन रीअरेंजमेंट, 1, 2, 3, 4, 5 फॉर्मेशन ऑफ दैट गिव प्रोडक्ट तो बना हुआ था इसका, हालांकि ये गलती से टाइप हो गया था, प्रोडक्ट आ गया। एक यहाँ पे ये था, डाई पाई मिथेन रीअरेंजमेंट इज ए इम्पॉर्टेंट रीअरेंजमेंट, इसको याद रखिएगा। नाउ
Second possibility is not. सेकेंड पॉसिबिलिटी अगर हम देखें तो सेकेंड पॉसिबिलिटी इज नॉट फेवर. सेकेंड पॉसिबिलिटी इज not favored. Not favored. Because in this case, 1 7-membered ring and 1 5-membered ring. तो जैसा कि हमने पढ़ाया था कि some dipymethane rearrangement have choice. तो choice का यहाँ पे है. तो जब choice होगा तो हम major product लिखेंगे. माइनर नहीं. थ्री मेंबर्ड रिंग तो डाईपाई मिथेन में बंदे बनेगा ही. डाईपाई मिथेन रीअरेंजमेंट में तो वाइनाइल साइक्लोप्रोपेन बनता ही बनता है, तो थ्री मेंबर्ड रिंग तो बनेगा ही बनेगा. तो ये है डाइपाइमिथेन रीअरेंजमेंट, इज ए इंपॉर्टेंट रीअरेंजमेंट. फिजिबिलिटी चेक करना था एमओ डायग्राम बना बना के, बहुत अच्छे से एमओ डायग्राम बना के करना था ना. सब लोग किया, सब लोग नंबर पाए, 12 नंबर पाए हैं. कितना नंबर आया है आदित्य? 12 नंबर. कितना नंबर आया? 12 नंबर. कितना नंबर आया? 12. सब 12 नंबर पाए हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है. सचिन राजपूत, थर्ड टेस्ट का तुमको, थर्ड टेस्ट आदित्य मिल गया है ना? थर्ड टेस्ट अब कहाँ है? अच्छा, थर्ड टेस्ट ऐसा भी कोई यहाँ पे है जिसको नहीं मिला है कॉपी? हाँ, तुम्हारा कॉपी अभी नहीं, तुम तो बाद में जमा किए हो. तुम्हारा कॉपी अभी नहीं, 20 दिन पहले. 20 दिन पहले, हाँ 20 दिन पहले हुआ ही है, तो 1 महीना पहले तुम दे नहीं सकते. तो ये तो हाँ, थर्ड कॉपी में थोड़ा इधर उधर हो गया था, वो दो लॉट में कॉपी हो गए थे. उसके जस्ट बाद ही फोर्थ टेस्ट काफ़ी बच्चे दे दिए थे, वो फोर्थ में भी ही हो गए. इसकी भी कॉपी रह गई थी ना आदित्य, इसकी भी कॉपी रह गई थी ज़्यादा दिन तक. फोर्थ तो सबको मिल गया है ना, फोर्थ सबको मिल गया. तो ये आ गया, इसमें सब लोग कर दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं. एमओ बना के अच्छे से करना है. ठीक, पहला क्वेश्चन ये था कि 4π 2π थर्मल सुप्रा एंट्रा. इसमें काफी लोग ये कर दिए हैं कि सुप्रा पॉसिबल होगा, तो सुप्रा एंट्रा पॉसिबल नहीं होगा. ये कुछ ठीक नहीं लग रहा, ये कुछ ठीक नहीं लग रहा कि पवन कुमार इंटेलिजेंट है. इस बात को साबित करने के लिए हम पूरे क्लास के बच्चे को बेवकूफ साबित करें और फिर कहें कि ना जी पवन कुमार इंटेलिजेंट है, क्योंकि ये भी बेवकूफ है, वो भी बेवकूफ है, ये भी बेवकूफ है. हो सकता है पवन कुमार भी बेवकूफ है. तो इससे अच्छा है कि हम सबका टेस्ट लेने से अच्छा है कि हम पवन कुमार का ही टेस्ट लेके कॉपी चेक कर ले, पता चल जाएगा इंटेलिजेंट है कि चलाक है. तो सुप्रा पॉसिबल है, तो सुप्रा एंट्रा नहीं होगा, ये कोई जवाब नहीं है. सुप्रा एंट्रा इज सिमेट्री फॉरबिडन. सुप्रा एंट्रा इज सिमेट्री फॉरबिडन. ऑर्बिटल डायग्राम बना के दिखाइए, ऑर्बिटल डायग्राम बना के दिखाइए कि ये देखिए सुप्रा
एंट्रा, ये देखिए, ये देखिए साइटू, ये देखिए साइटू होमो प्लस, प्लस साइटू एल्कीन का ल्यूमो, और ये है, ये देखिए ये, और ये देखिए सुप्रा एंट्रा, दैट इज सिमेट्री फॉर्मिडे, ऑल्सो रिक्वायरमेंट ऑफ रोटेशन अबाउट डबल डबल कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, therefore energetically forbidden, and that's why doubly forbidden hai ye, energetically bhi symmetry hai. To jitne log 12 number paaye hain wo ye baat bata sakte hain ki unhone aisa likha tha doubly forbidden, nahi. अगर लिख देते तो 14 नंबर पाते, ठीक, क्योंकि पहले भी बता चुके हैं पेरी फोटो स्पेक्ट्रो में फुल नंबर देते हैं, तो 14 नंबर पा जाते अगर डबली फॉर्बिडन लिख देते तो, ठीक. बाकी सारे अपने वे में थे, टू पाई सुप्रा सुप्रा थर्मल सिमेट्री फॉर्बिडन, 1,3H शिफ्ट फोटोकेमिकल, ठीक. तो फोटोकेमिकल मीडियम में क्या हो जाएगा, ड्यू टू होमो ल्यूमो एक्साइटेशन बोथ होमो एंड ल्यूमो कन्वर्टेड इनटू सोमो, तो सोमो के ऊपर वाले हाई एनर्जी सोमो के जस्ट एबव जो ऑर्बिटल होगा वो क्या हो जाएगा, ल्यूमो हो जाएगा. वन फाइव एच थर्मल ये हो जाएगा. तो एमओ डायग्राम से करना था. इथीन रिएक्टेड स्लोली, इथेन रिएक्ट स्लोली विथ 1,3 ब्यूटाडाइन बट मैलिक एनहाइड्राइड रिएक्ट फास्टर इन थर्मल मीडियम, एक्सप्लेन. क्या करना था इसमें, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सब्स्टिट्यूएंट ऑन डायनोफाइल इंक्रीजेज द एनर्जी, डिक्रीजेज द एनर्जी ऑफ ल्यूमो, एंड होमो ऑफ डायनोफाइल एंड होमो ऑफ डाइन एंड ल्यूमो ऑफ डायनोफाइल बिकम मोर क्लोजर इन रिएक्शन टेक प्लेस. पांच नंबर का था, आराम से हो गया, हुआ कि नहीं. हाउ विल यू सिंथेसाइज द फॉलोइंग कंपाउंड बाई पेरीसाइक्लिक रिएक्शन, गिव ओनली वन मेथड, एक ही मेथड देता था तो क्या होगा. पहला था ये, सबका हो गया है ना, सबका हुआ है कि नहीं. सेकेंड पॉसिबिलिटी, सेकेंड पॉसिबिलिटी दैट इज
which possibility is more suitable? Which possibility is more suitable? First one is more suitable. That is, dinophile must be substituted with electron withdrawal. Hai ki nahi? Now, second case mein kya tha? Electrocyclic. Electrocyclic reaction. Electrocyclic reaction. But since stereochemistry of 2-methyl is not defined, therefore we can start with either cis isomer or trans isomer. That is, it arounds the meter. Any problem? No problem. हुआ कोई प्रॉब्लम? आराम से. नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन. इसको तो कोई भी अटेम्प्ट नहीं किया, पता नहीं क्यों इसको कोई नहीं अटेम्प्ट किया. दो क्वेश्चन एकदम ब्लैंक वापस आ गए हैं, कोई अटेम्प्ट ही नहीं किया. In reaction, ये लंबा रिएक्शन सीक्वेंस है जिसका कि ये फर्स्ट स्टेप लिया था. ये और भी रिएक्शन है, अब इसके बाद एल्डिहाइड पे रिएक्शन करवाते हैं, बट हम केवल एक स्टेप लिए थे. फर्स्ट स्टेप इज इन रिएक्शन. 2+2 cycloaddition is not possible in thermal medium. 2+2 cycloaddition is not possible in thermal medium. In reaction? और कोई possibility है ही नहीं. और 1,5 cycloaddition plus 1,5 sigma tropic reaction हो सकता है. हो सकता है कि नहीं? 1,5 पे 5 पे हाइड्रोजन है, हो सकता है. और थर्मल मीडियम में 2+2 एडिशन पॉसिबल है नहीं, और कोई पॉसिबिलिटी है नहीं. 4+2 एक तो बहुत ही तगड़ा 4+2 करवाया, यहां से ओटीएस को निकाला है, फिर
फिर कार्बोकेटायन बना के हाइड्रोजन शिफ्ट करते करते इसको कॉन्जुगेशन पे ले आया डबल बॉन्ड को, और फिर 4+2 करवा दिया। देखिए देख भी लो कि 5 नंबर का है। तुम ही हो क्या हो स्टूडेंट? OTS से कंफ्यूजन था, इसलिए ये हमको अच्छा लगा, इसलिए हम डाल दिए। हालांकि ये नहीं, उसको हटाना क्यों है भाई? थर्मल मीडियम में OTS कार्बोकेटायन फॉर्मेशन ऑलवेज रिक्वायर्ड, पोलर मीडियम कार्बोकेटायन नेवर जनरेट इन गैसियस स्टेट, चाहे लिविंग ग्रुप कितना भी बढ़िया क्यों ना हो। फर्स्ट ऑफ ऑल इन आवर सिलेबस देयर इज नो कॉम्पिटिटिंग रिएक्शन। हम लोगों को BSc तक कॉम्पिटिटिंग रिएक्शन नहीं पढ़ना है, बट इफ कॉम्पिटिटिंग रिएक्शन देन इट विल बी स्पेसिफाइड कि ये रिएक्शन आपको करना है। अदरवाइज ऑलवेज वी हैव म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोसेस। यहाँ पे थर्मल में 2+2 नहीं हो सकता, देन ओनली पॉसिबिलिटी इज इलेक्ट्रोसाइक्लिक, एक इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन है कि नहीं? हाँ, कॉम्पिटिटिव रिएक्शन डी पार्ट इज आइडेंटिफाइड टू पेरीसाइक्लिक रिएक्शन इन फॉलोइंग रिएक्शन ऑल्सो गिव मैकेनिज्म। ये कॉम्पिटिटिव है जिसमें प्रोडक्ट बना के दे दिया गया, या तो प्रोडक्ट बना के दे दिया जाएगा या तो आपको रिएक्टेंट दे दिया, ये रिएक्शन का नाम दे दिया जाएगा। फर्स्ट स्टेप इलेक्ट्रोसाइक्लिक, सेकेंड HNU इलेक्ट्रोसाइक्लिक, थर्ड डेल्टा 2+4 एडिशन। 4+2 एडिशन फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप इज डेट इज इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिंग ओपनिंग। ये दो रिएक्शन इसमें हो रहे हैं, ऑलमोस्ट सबका सही है, सबका सही है। कोई ऐसा है यहां जिसका गलत हुआ है? ये कोई कैसे गलत हो गया भाई? प्रोडक्ट भी गिवन है, और किस किसी का हुआ है? सबका। फोर प्लस टू एडिशन बाद में, और पहले इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिंग क्लोजिंग एकदम सही है, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। एमओ आप नहीं बनाए हैं, एमओ नहीं बनाए, स्पेसिफाई कर दीजिए। अब यहां पे क्या है? यहां पे अब जैसे ये है, ये हो गया ना। अब अगर आप पहले किए हैं तो, अगर आप पहले किए हैं तो 4N थर्मल रिंग क्लोजिंग, अब यहां पे जो है ये बन गया नाउ ये, अब यहां पे जो है ये है हीट। अब इसका होमो और ल्यूमो, इसका तो होमो ल्यूमो स्पेसिफाई कर देते, जो पहले किए हैं बाद में किए हैं उससे कोई फर्क नहीं, मार्क्स जो डिडक्ट हुआ है वो होमो ल्यूमो बनाने का, ठीक। और कोई कारण इसमें है नहीं। थर्मल में इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिंग क्लोजिंग जो होगा वो क्या होगा? कॉन रोटेशन होगा, होगा कि नहीं? कॉन रोटेशन के थ्रू होगा, और 4+2 एडिशन होगा जिसमें होमो डाइन का होगा और ल्यूमो डाइनोफाइल का होगा, क्योंकि ये नॉर्मल इलेक्ट्रॉन डिमांड से हो रहा है। डाइनोफाइल इज सब्स्टिट्यूटेड विथ
electron withdrawing substituent or and dienate substituted with electron release. That is normal electron demand. In this case, homo of diene, lumo of dienophile. अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता और डाई इन पे अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता और डायनोफाइल पे अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग होता तब ये इनवर्स इलेक्ट्रॉन डिमांड होता और इसमें जो है होमो जो है वो होता डायनोफाइल का और ल्यूमो जो होता वो डाइन का। ये इस बात का ध्यान रखना है कि नॉर्मल इलेक्ट्रॉन डिमांड है या इनवर्स इलेक्ट्रॉन डिमांड। ये क्वेश्चन इसमें तो सभी छोड़ दिए, पहला स्टेप के बाद सब छोड़ दिए। क्यों पहला स्टेप के बाद क्यों सब छोड़ दिया भाई? फर्स्ट स्टेप दैट इज यही तो था, ये रिएक्टेंट है ओएमई हीट फोर एन रिंक्लोजिंग थर्मल, ये फोटोकेमिकल डिसरोटेशन। नाउ एच न्यू अल्फा क्लीवेज, हाँ फोटोकेमिकल है, दोनों ही फोटोकेमिकल है। अच्छा यहाँ थर्मल ले लिए। अल्फा क्लीवेज टेक प्लेस इन सच ए मैनर डेट मोर स्टेबल फ्री रेडिकल इज फॉर्म। अगर यहाँ पे आएगा तो क्या होगा? विनाइल फ्री रेडिकल विच इज हाईली अनस्टेबल, है कि नहीं? और यहाँ पे क्या है? स्टेबल है। ठीक, तो इधर से अल्फा क्लीवेज होगा। After alpha cleavage, mesomerism, this now किटीन ओएमी
Free radical. Free radical आपका आ जाएगा इस कार्बन पे आ जाएगा ना, ये आ गया वन वन टू थ्री फोर, ये आ गया थर्ड पे आ गया ना, वन टू फिर यहाँ पे आ गया वन टू थ्री फिर थ्री थ्री सिग्मा टॉपिक, थ्री थ्री सिग्मा टॉपिक, थ्री थ्री सिग्मा टॉपिक, that is formation of OME. हाँ तो फोटोकेमिकल में भी हो सकता है, हो सकता है जब इसको फॉलो करेगा, जब फ्रेगमेंटेशन को फॉलो करेगा तब हो सकता है।
अभी आ जाएगा, आ जाए। पोएमी से आ जाएगा। अभी आ जाएगा। हो गया नोट, हो गया यहां तक, यहां तक पहले करिए। अभी आ जाएगा वन और। हाँ प्रोडक्ट इज, दिस प्रोडक्ट, ये फ्रॉम दिस रिएक्टेंट इज रीजेनरेटेड। फ्रॉम दिस जो रिएक्टेंट था वही आ गया, आ गया ना, फिर से एक बार फिर वही आ गया। अगर इधर के साइड से रिंग क्लोजिंग होगा तो ठीक, बट ए अनदर पॉसिबिलिटी, ए अनदर पॉसिबिलिटी, ए अनदर पॉसिबिलिटी इज डैट ये यहां आ जाए, ठीक, ये यहां आ जाए, ये यहां आ जाए, और ये यहां से बॉन्ड बना। दिस पॉसिबिलिटी, ये यहां पे आ जाए, ये और यहां पे आ जाए, और ये आपका फोर्थ नंबर कार्बन, और ये यहां से आ जाए, नहीं कड़पड़ हो जाएगा। डैट इज वन टू थ्री, डैट इज ओ एम ई आपका आ जाए, और यहां पे ये इसके इसके बीच में बॉन्ड आ जाए, देन प्रोडक्ट विल बी दिस, पिया जाएगा। टू वन, ये थ्री थ्री सिग्मा ट्रॉपिक्स यहां से, टू पॉसिबिलिटीज आर, फर्स्ट पॉसिबिलिटी इज रीजनरेशन ऑफ प्रोडक्ट,
regeneration of reactant itself. Second is possibility of sigmatropic shift to give this product. यहाँ पे 1, 2, 3 के बीच आ गया ये बॉन्ड, और यहाँ पे 2, 1 के बीच, 3, 2 के बीच ये आ गया, 1 से ये अटैच हो गया, 1, 1 दोनों अटैच हो गए। इसके लिए पेज भी ज़्यादा छोड़ा था तो आप लोग यूज ही नहीं किए। फ्लोरोसेंस फॉस्फोरसेंस यूजिंग एमओ डायग्राम, जेबलॉन्स की डायग्राम, बस और कुछ भी नहीं। डाईपाई मिथेन रीअरेंजमेंट, फिर से एक बार डाईपाई मिथेन रीअरेंजमेंट, वही सारा चीज। That is 1, 2, 3, 4, 5. That is dipymethane rearrangement. सबसे पहले दिस डाईपाई मिथेन रीअरेंजमेंट हैज नो च्वाइस। बॉन्ड कहां से ब्रेक होना चाहिए, यहीं से होना चाहिए, ताकि ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड फिर से बन जाए। ऑक्सीजन का बॉन्ड फिर से बन जाए, दैट इज now formation of this. यहाँ से ये डाईपाईमिथेन रीअरेंजमेंट। आज भी कोई टेस्ट देगा? 7th, 8th, 2nd मेंस देना है तुमको, इतना लेट क्यों चल रहा है भाई? अच्छा 3rd, 4th पहले दे दिया, गुड। 2nd का सलूशन नहीं ना मिला है? 1st क्वेश्चन ए पार्ट, उसका मन लगा के करना, थोड़ा ध्यान से, हड़बड़ी में मत करना, थोड़ा सोचना। इजी इजी है, तीनों ही बहुत इजी हैं, तीनों बहुत इजी हैं, ए बी सी, ए पार्ट का 1, 2, 3 है, बहुत इजी है, बट दिमाग लगाना। बेंजाइल अल्कोहल, बेंजाइल अल्कोहल के फ्रेगमेंटेशन में जो कैरेक्टरिस्टिक पीक है वो कौन सा है? बेंजाइल अल्कोहल का फ्रेगमेंटेशन पैटर्न
plus electron minus 2 electron, that is radical anion. In radical anion, minus H radical CH OH pehla. M plus minus 1 minus H, that is CHO M plus minus 2 minus H radical, that is M plus minus 3. These three peaks are important. Successive elimination of three hydrogens. That is the characteristic of benzyl alcohol. First form protonated aldehyde, second is aldehyde, third ये इंपॉर्टेंट केस है इनका. कैटायन इज डिटेक्टेड. देयर आफ्टर एलिमिनेशन ऑफ न्यूट्रल मॉलिक्यूल कार्बन मोनोऑक्साइड टू गिव अनदर रेडिकल कैटायन, बट इट्स पीक इज वेरी स्मॉल पीक. सो M plus M minus 1, M plus M plus minus 1, M plus minus 2, M plus minus 3 पीक. ये तीन पीक हम देखना चाहते थे, आप लोग दिखाए नहीं. जो M प्लस माइनस 1 दिखाएं उनको दो नंबर दिए, बाकी तो कोई दिखाए ही नहीं. बाकी सब बेंजाइल तो ये वो ट्रोपिलियम बना दिए. एलाइलिक एल्कोहल एंड बेंजाइलिक एल्कोहल, एलाइल और बेंजाइल एल्कोहल का फ्रेगमेंटेशन ये है M प्लस माइनस 1, M प्लस माइनस 2, M प्लस माइनस 3. एन ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C9H10, काफी लोग कर चुके हैं इसको. दैट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग फॉर्मूला C9H10, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 9 plus 1 minus 10 by 2 4. है कि नहीं? डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट हायर देन और इक्वल टू 4 इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ बेंजीन रिंग. 5. डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट हायर देन और इक्वल टू 4 इंडिकेट प्रेजेंस ऑफ बेंजीन रिंग. प्रेजेंस ऑफ बेंजीन रिंग इज ऑल्सो इंडिकेटेड बाई दी ऑल्सो कंफर्म्ड बाई दी डेल्टा 7.1 बैंड इन एनएमआर. दैट इज बेंजीन रिंग इज मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग.
Now this G है कि नहीं, ये है। नाउ नोन माइनस अननोन माइनस नोन C5 C6 H5 नाउ वी लेफ्ट विथ C3 H5 C3 H5 दिस फाइव हाइड्रोजन आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन फोर फाइव हाइड्रोजन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन फोर पार्ट्स डेल्टा 3.1 2H इंडिकेट बेंजाइलिक बेंजाइलिक डेल्टा 4.8 5.1 5.8 रिप्रेजेंट प्रोटोन अटैच टू sp2 हाइब्रिड कार्बन सो ए पॉसिबल स्ट्रक्चर मे बी लाइक दिस H possible structure is this है कि नहीं, ये possible structure no any band is significant to explain कोई और band significant है नहीं। अगर डेल्टा वैल्यू असाइन करना चाहें तो डेल्टा वैल्यू हम असाइन कर सकते हैं कि ये दोनों जो हैं वो 5.1 और 5.8 वाले हैं और ये 4.8 और 5.1 वाले हैं और ये 5.8 है क्योंकि बेंजीन रिंग का जो है वो माइनस आई इफेक्ट बेंजीन रिंग का माइनस आई इफेक्ट है तो 5.8 का हाइड्रोजन ये है। क्योंकि बेंजीन रिंग जब मीजोमेरिक इफेक्ट नहीं कर पाता है तो कौन सा इफेक्ट करता है, इंडक्टिव इफेक्ट। नहीं यही रीजन ही होता है, 3.1 ही होता है, डिसिल्डेड है इसलिए 3.1, अदरवाइज 2.4 से 2.6 होता है। 5.8 इसलिए आ रहा है क्योंकि बेंजीन रिंग जो है, ये जो रिंग है बेंजीन रिंग अब कहां पे है, बीटा पोजीशन पे है। अब ये जो यहां से है मीजोमेरिक इफेक्ट नहीं कर पाता है तो ये क्या करता है, माइनस आई इफेक्ट करता है और माइनस आई इफेक्ट ऑफ कोर्स इस कार्बन पे जा रहा होता है, बाकी नहीं, जस्ट जो इस कार्बन से अटैच होगा उसका ज्यादा होगा और जो इसके बाद है उस पर कम होगा। हालांकि हम लोग पॉसिबल एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं यहां पे, वन ऑफ द पॉसिबल एक्सप्लेनेशन, क्योंकि अगर इसमें सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म हो सकता तब हम लोग डेफिनेटली असाइनमेंट कर पाते बैंड का। यहां पे 940 भी जो IR स्ट्रेचिंग है, IR जो हमारा CH बेंडिंग का जो पीक है, 915 और 940 में भी पॉसिबल इसके बेंडिंग के कारण है, क्योंकि ये क्या है, ट्रांस पे है इसके,
पॉसिबल, क्योंकि हम एग्जैक्टली ट्रांस तो कह नहीं सकते, तो इसलिए और कोई बैंड हमारे लिए सिग्निफिकेंट है नहीं। 235 है। हाँ नहीं नहीं इतना ही आएगा, इतना ही आएगा 235। हाँ भिन्न रिंग देंगे 235 आए, 230 से लेके 260 तक कहीं भी आ सकता है बी बैंड। नाउ सैलिसिलिक एसिड के आईआर स्पेक्ट्रा में जो कैरेक्टरिस्टिक बैंड है उसको बताइए। तो इसमें हम इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का जो पिक है चिलेशन का, क्योंकि ऑर्थो आइसोमर है तो जो चिलेशन का पिक है वही एक पिक कैरेक्टरिस्टिक है। हमको जो है ये जो है कैरेक्टरिस्टिक पिक बताना है। ये बताऊंगा कैरेक्टरिस्टिक पे 3250 सेंटीमीटर इनवर्स, बाकी सब तो रेगुलर पीक हैं, बाकी सारे रेगुलर पीक हैं, दे आर नॉट कैरेक्टरिस्टिक पीक जो आप बता रहे हैं 2950 1500 1400 दे ऑल आर नॉट। पांच नंबर वाला पीक वो नहीं है, पांच नंबर वाला पीक ये है कि इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग लीड्स टू चिलेशन एंड रिंग इज स्टेबलाइज बाय मेसोमेरिज्म। ये एसिटाइल एसीटोन में दो क्लोज बैंड आने का क्या कारण है? दो क्लोज बैंड आने का कारण है इनोलाइजेशन, इनोलाइजेशन विथ रिजल्टिंग स्टेबलाइजेशन ऑफ इनोल। ये देखिए That is, now these two are equivalent. और एक और प्रोटॉन है बी, है कि नहीं? तो ए ए एंड देन बी, ए ए हमारा बी हमारा, ये वैसे अगर कीटो फॉर्म को देखा जाए तो दो पीक बहुत अलग अलग पे आने चाहिए कीटो फॉर्म में, ठीक है? कीटो फॉर्म में भी दो ही पीक आना चाहिए लेकिन बहुत अलग अलग आना चाहिए, बहुत अलग अलग आना चाहिए, क्योंकि इनका इनका एटमॉस्फेयर बिल्कुल अलग है कि नहीं? ये दो कार्बोनाइल्स के बीच में है, ये जो है टर्मिनल हैं, दोनों सेम हैं, तो नियरली ये जो है 5.2 पे आना चाहिए और ये आना चाहिए 2.7। लेकिन क्योंकि ये मोस्टली इनोल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और इनोल फॉर्म इज स्टेबलाइज्ड बाय चिलेशन, रिंग इज स्टेबलाइज्ड बाय मेसोमेरिक इफेक्ट 1 एंड 2। Which compound will absorb above 32 centimeter inverse in IR spectra? हाँ इतना ये इसलिए है क्योंकि A में जो है
वो क्या है, स्ट्रॉन्ग डिसल्डिंग है ड्यू टू हाइड्रोज कार्बोनाइल कार्बन विच इज डिसोक्लाइज। ठीक, इसका होना तो चाहिए था 5 point something, बट इनोल फॉर्म का कंट्रीब्यूशन जो है वो थोड़ा कम है, तो इनका और इनका जो है वो एवरेज हो गया, इनका इनका एवरेज हो गया। एवरेज होने के कारण ये क्या हो गया, लोअर पीआर, इनोल ही मेजर होगी। बट इसका कंट्रीब्यूशन, अगर इसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा होता तो ये एभव की ओर आते, आते कि नहीं। और यहाँ पे जब कॉन्जुगेशन हो रहा है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इतना ज़्यादा है, एन आइसो, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इतना ज़्यादा है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होने के कारण शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा, क्योंकि जो भी आ रहा है ये इधर से आ रहा है, ये इधर जा रहा है, और ये भी इधर से आके इधर जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो इन तीनों कार्बन के बीच में लोकेलाइज्ड है। लोकेलाइज्ड होने के कारण जो है, एक पॉसिबल एक्सप्लेनेशन हम लोग ये दे सकते हैं। ठीक, बाकी जो है टर्मिनल जो है, फिर वही है कि इसमें इनोलाइजेशन, इनोलाइजेशन और इनोलाइजेशन के कारण इसमें 3200 पे बैंड आएगा। बाकी कोई कंपाउंड ऐसे नहीं है जो कि 3200 पे बैंड दे। हाउ मेनी एनएमआर स्पेक्टिक, बढ़िया है, इसमें सबको नंबर मिला है, ऑल गेट 8 out of 8। फर्स्ट में 2 peak, सेकंड में 3 peak, HA, 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 HB, HB, HC, 3 band। थर्ड ओनली 2 band। फोर्थ वेच वेच HA, HA, HB, HC, HD, HD, 4 peak आएगी। जी, राइट डाउन प्रोडक्ट, वेजनर मिरविन रीअरेंजमेंट, हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बाय, कैलकुलेट लैम्डा मैक्स इन ईच केसेस, कोई दिक्कत होगा। लेकिन जब पेपर में कोई दिक्कत नहीं था तो मार्क्स में इतना क्यों वेरिएशन आया, पेरिसाइक्लिक फोटो के कारण। फोर्थ पेपर में इतना बता दे कि UF6 और UCl6 वाला जो क्वेश्चन है उसमें केमिकल बॉन्डिंग मत इस्तेमाल करिए। कुछ कुछ लोग बताए हैं कि यूरेनियम में डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन फ्लोरीन करवा देता है तो UF6 बनता है, UCl6 नहीं बनता। अरे यूरेनियम तो खुद ही चाहता है कि कोऑर्डिनेशन नंबर हाई हो, एक्टिनाइट। ये है कि इसको जब हम सेपरेट करते हैं तो हमारे पास जो होता है U35F6, U38F6, ये होंगे। फ्लोरीन का मास कम है, इसको हम कैसे सेपरेट कर करते हैं, मैग्नेटिक डिफ्यूजन प्रोसेस, हॉट मैग्नेट से फ्लो करवाते हैं। हायर द मास लोअर विल बी डिफ्यूजन स्पीड। तो क्या होगा कि ये पहले डिफ्यूज होगा U35 और धीरे धीरे हमारे जो मैग्नेट के अराउंड जो एरिया है उसमें कौन कंसंट्रेट हो जाएगा, UF6 हो जाएगा। एक आइसोटोपिक
mass difference depend upon the relative mass difference between the isotope. Lower the mass, higher will be mass difference. Fluorine ka mass lower hai. So, jab hum UF6 use karenge, to U35F6 aur U38F6 mein mass difference jo hoga, wo bahut jyada hoga. जब हम क्लोरीन यूज करेंगे तो मास डिफरेंस जो है, जो परसेंटेज मास डिफरेंस है वो कम हो जाएगा. तो बेटर सेपरेशन हमारा कहाँ होगा? UF6 में होगा, फ्लोराइड में होगा, ना कि क्लोराइड में. तो आंसर ये करना था. ठीक, सब जितना बढ़िया बढ़िया बॉन्डिंग बनाया है उसमें. ठीक, तो फोर्थ पेपर और फिफ्थ का कर लेते हैं अगले संडे को.